ये है एमवे का एलओसी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इससे आप अपने घर में होने वाले क्लीनिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आप इससे अपने सब्जियां, अपने फल, जो भी आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, आप इससे वॉश करके फिर आप खाएं, तो इससे आपके एक परिवार की सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास घर में यूज करती हूँ मैं इनको, टमाटर को, खीरे को, जैसे कोई सलाद बनाने में, सब्जी में डालने के लिए। और देखिए, आजकल मार्केट में ये आम चल रहे हैं जिनको पकाने के लिए काफी अच्छा केमिकल यूज किया जाता है, तो वो आप एमवे के एलओसी से इनके जो ऊपर केमिकल है वो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किसी भी बर्तन में पानी ले सकते हैं। आप ऐसा कोई भी खुला बर्तन ले और उसमें आप प्लेन पानी लें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ फल और सब्जियां हैं, इनको हम इसमें वॉश करेंगे। तो जैसे ये प्लेन वाटर है, इसमें हमें कुछ ड्रॉप्स एलओसी की डालने हैं। देखिए, दो से चार बूंद हमें एलओसी की डालनी है और उसको हम अच्छे तरीके से पानी में मिला लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फल और सब्जियां हैं, इन्हें कुछ टाइम के लिए हमें इस एलओसी वाले पानी में भिगोकर रखना है। देखिए, देखिए आप इसे अगर आपको इंस्टेंट कोई चीज यूज करनी है तो आप थोड़ा इसको हाथों से मसल कर और प्लेन पानी से धो लीजिए और फिर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा ऐसी चीज है या ऐसा फ्रूट वेजिटेबल ऐसी कोई है जिस पे आपको लगता है कि ज्यादा केमिकल स्प्रे किया होता है, तो आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए इसके अंदर छोड़िए, उसके बाद आप इसे प्लेन पानी से धोकर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इससे पहले भी मैंने एक दो बार ऐसे फ्रूट्स को थोड़ा सा रब कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जब भी हमें इन्हें निकालना है, फिर भी हमें एक बार दो बार इन्हें फ्रूट्स को सबको रब करके थोड़ा मलकर साफ करके फिर हमें बाहर निकालना है और साफ पानी से इसे साफ करना है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि आप अगर एलओसी में कोई भी चीज वॉश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप उसको पूरा साबुत ही डिप करें, वॉश करें, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। कोई भी या जैसे आपने कोई भी सब्जी काट ली है उसके बाद आप एलओसी डाल के उसको वॉश करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको साबुत ही उसको डिप करना है, पूरा फ्रूट या वेजिटेबल उसको डिप करनी है, 15 मिनट रखना है, उसके बाद उसको प्लेन वाटर में धोना है और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं कैसे भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप अपने परिवार के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। इसके ऊपर देखिए, सारा जो केमिकल है वो रिमूव हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है, ये देखिए, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। और मैंने इस पे किसी भी तरीके, मैंने सिर्फ इसे हाथों से साफ किया है अभी, और ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये देखिए। आप इसे ही ऐसे ही अपने बच्चे को या अपने किसी पेरेंट्स को, अपने बुजुर्ग को आप इसे ऐसे ही खाने के लिए दे सकते हैं। इसमें अब जो केमिकल था वो सारा रिमूव हो गया है फ्रेंड्स। तो आप एमवे के एलओसी की मदद से आप अपने घर के स्वास्थ्य को बढ़िया रख सकते हैं और केमिकल फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साफ पानी इतना गंदा हो गया है, इसके अंदर जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर जो भी केमिकल था सारा इसके अंदर आ गया है। तो ये सारी हमारा एमवे के एलओसी की मदद से हुआ है। तो आप इसे घर में यूज कर सकते हैं और अपने फल, सब्जियां और जितने भी क्लीनिंग से रिलेटेड काम है आप वो इससे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।